हेलो लिसनर्स, टुडे वी विल डिस्कस ब्रिटिश पोइट्री, जिसमें आज हम जॉफ्री चौसर को डिस्कस करेंगे, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी है। इनका ये एक फेमस वर्क था जिसमें उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ को इंक्लूड किया है। और जो इसकी स्टार्टिंग है वो होती है द फर्स्ट थिंग, कि पहले हम इसके प्रोलॉग की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि ये जो लिखी गई है कैंटरबरी टेल्स, इसको जब लिखा गया तो क्या सोच के और इसकी जो बिगनिंग है वो कैसे होती है। तो जो स्टार्ट होता है, इसकी बिगनिंग होती है प्रोलॉग की, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग सीजन से होती है। वहाँ पे अप्रैल मंथ के बारे में बताया जाता है कि जो अप्रैल का मंथ है वो बहुत प्लीजेंट है और पिलग्रिम पे जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा मौका है। तो इस टाइम पे वो करते हैं कि कुछ पिलग्रिम्स को उस टाइम के मेडिवल पीरियड के टाइम के कुछ लोगों की, इनकी एक क्वालिटी थी चौसर की कि वो इन्होंने अपनी इस कैंटरबरी टेल में हर कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है स्टोरीज़ की हेल्प से। इसमें बताया गया है स्टार्टिंग में कि जो वेदर है इस टाइम का वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत एक होता है कि डार्कनेस के बाद एक जो लाइट आती है उसकी तरह इन्होंने इस वेदर को बताया है चौसर ने। उसके बाद जो बात होती है, ड्राइडन ने इनको प्रेस किया है चौसर को और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा है ड्राइडन ने। सो नॉर्मली भी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ये जो पीरियड है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो कैंटरबरी टेल्स है ये लिखी गई थी ऑलमोस्ट 1387 में। और दिस पोएम इज अबाउट 17,000 लाइन। आपको ये जान के थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि जो ये कंप्लीट पोएम है वो 17,000 लाइंस की है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट वर्क। ये बहुत एक अच्छा काम है लिटरेचर में, क्योंकि एक पोइट्री के ज़रिए उन्होंने इस पोइट्री में ही अलग अलग स्टोरीज़ को इन्वॉल्व कर दिया है और स्टोरीज़ के थ्रू इन्होंने 14th सेंचुरी की लाइफ को प्रेजेंट किया है, लोगों की लाइफ को प्रेजेंट किया है अपने करेक्टर्स की हेल्प से, अपने पोर्ट्रेट की हेल्प से। अब हम बात करते हैं कि जो कैंटरबरी है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ रही हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, हम पहले थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं कि कैंटरबरी में कितने पीपल्स थे टोटल, जाने वाले इस स्टोरी में कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज़ कितनी हैं। तो स्टार्ट होती है कि इसमें इनके अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी थी, ये एक इनकम्प्लीट वर्क था चौसर का, क्योंकि इस वर्क के ड्यूरेशन में ही चौसर की डेथ हो गई थी। तो इसमें ये था कि 29 पिलग्रिम्स थे टोटल और हर एक पिलग्रिम्स को जाते टाइम दो स्टोरीज सुनानी थी और आते टाइम कहाँ को जाना था इसमें। तो बेसिकली इन्होंने डिसाइड किया था कि जो ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हैं इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी लंदन से, और लंदन से ये कहाँ जाएंगे, श्राइन ऑफ सेंट थॉमस अबेकेट, सेंट थॉमस अबेकेट जाएंगे कैंटरबरी में जो है। उसके बाद जो इनका ये वर्क स्टार्ट हुआ था, इन्होंने जो स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था, इसमें जो टोटल पिलग्रिम्स थे वो 29 थे। सारे पिलग्रिम्स को जाते टाइम लंदन से कैंटरबरी दो स्टोरी सुनानी थी और वहाँ से आते टाइम भी दो स्टोरी सुनानी थी, लेकिन जो स्टोरीज़ थी वो इनकम्प्लीट थी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो चौसर थे उनका डेथ की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाई। सिर्फ लंदन से कैंटरबरी जाते वक्त की कुछ स्टोरीज़ का कलेक्शन है जो आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। अब बात होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ इसमें जो स्टोरीज़ हुई हैं कंप्लीट हो पाई हैं वो 24 ही हो पाई हैं स्टोरीज़ कंप्लीट। और ये लिखा गया था 1387 से 1400 तक। नेक्स्ट बात आती है कि जो 29 पिलग्रिम्स हैं और एक नरेटर, मतलब यहाँ पे चौसर की बात हो रही है, कि टोटल मिला के ये 30 हो जाते हैं। तो याद रखना जो पिलग्रिम्स की का नंबर है वो 29 है और हम चौसर को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, नरेटर को इंक्लूड कर देते हैं, तो ये 30 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब जाते टाइम दो स्टोरीज सुनाएंगे और आते टाइम दो स्टोरीज सुनाएंगे तो हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरीज सुनानी है अपनी ये जो उनकी यात्रा होगी उसके ड्यूरेशन पे।
तो टोटल नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स हमारे 30 होते हैं और एक पिलग्रिम हमारा 4 स्टोरी सुनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टोरीज 120 होनी चाहिए थी द कैंटरबरी टेल्स में, लेकिन जो चौसर हैं उनकी डेथ की वजह से सिर्फ 24 स्टोरीज ही कंप्लीट हो पाई हैं। तो जो सबसे पहली स्टोरी है और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो स्टार्ट करते हैं सुनाना वो है नाइट्स टेल। तो नाइट्स टेल में क्या होता है, इनके जो इससे पहले जो इनके होस्ट होते हैं हैरी बेली सबको बताते हैं कि वन बाय वन आप स्टोरी सुनाएंगे ताकि जो हमारी जो यात्रा है जो हम पिलग्रिम पे जा रहे हैं उससे हम बोर ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी नाइट्स टेल से। सो नाइट्स टेल में क्या होता है, एंथन्स जो कि एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, वहाँ का एक किंग है जिनका नाम है थीसियस। अब जो थीसियस हैं वो एमिली जो इनकी सिस्टर इन लॉ है जिसे ये साली बोलते हैं, वो उनके साथ अपनी पैलेस में जा रहे होते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लेडीज़ हैं जो रो रही होती हैं। तो जब ये उनसे रीज़न पूछते हैं बिकॉज ही इज़ किंग, तो अब वो जब किंग हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्हें पूछने की ज़रूरत है। तो जब वो लेडीज़ से रीज़न पूछते हैं तो वो बताती हैं कि जो क्रियोन राजा हैं, जो क्रियोन किंग हैं, उन्होंने जो उनके हस्बैंड डेड हो गए थे वॉर में, उनकी बॉडीज़ नहीं दी हैं अभी, तो इसलिए वो रो रही होती हैं। और वो बोलती हैं कि आप क्रियोन किंग से लड़ाई करो, फाइट करो, और हमें डेड बॉडीज़ चाहिए ताकि हम उनका संस्कार कर सकें। अब जो राजा है उसको ठीक लगता है, राजा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थीसियस की, तो थीसियस को ये बात ठीक लगती है और वो बहुत ब्रेव था, तो वो लड़ने के लिए चला जाता है कैरोंस के किंगडम में, जहाँ पे वो प्लॉमैन और आर्टिस से लड़ाई करता है और वो दोनों उससे हार जाते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जब लड़ाई होती थी तो दो ही रीजंस होते थे, या तो उनको जान से मार दिया जाता था या फिर उनको बंदी बना लेते थे। तो सेम कंडीशन में थीसियस ने क्या किया, प्लॉमैन और आर्टिस को दोनों को ही क्या कर लिया, बंदी बना लिया। लेकिन जब वो उसे ले जा रहे थे तो दोनों ही एमिली को देखते हैं, एमिली जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ है थीसियस की, और दोनों एमिली से प्यार करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे बातें शुरू होती हैं और दोनों को जैसे कि बोला कि उनको जेल में डाल दिया जाता है, दोनों किसी न किसी तरह जेल से बाहर आ जाते हैं और आने के बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो आर्टिस है और प्लॉमैन हैं दोनों ही क्या होते हैं, कज़न्स होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा ही होगा। अब लड़ाई का रीज़न जो है, तो वहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो जीतेगा या ज़िंदा रहेगा उसकी शादी एमिली से होगी। कुछ दिनों बाद ये बातें जो हैं वो थीसियस तक पहुँच जाती हैं, जो किंग होते हैं एंथेंस के, उनके पास तक पहुंच जाती हैं ये बातें कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है एमिली की वजह से। तो वो एक घोषणा कर देते हैं कि जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसकी शादी एमिली से कर दी जाएगी, लेकिन ये लड़ाई एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, दोनों को अपनी अपनी एक आर्मी बनानी होगी एक साल तक और उसके बाद ही लड़ाई होगी। तो आफ्टर वन ईयर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो प्लॉमैन है वो हार जाता है, लेकिन उसी टाइम पे एक अर्थक्वेक आता है और जो आर्टसी है वो घायल हो जाता है। लोगों को उम्मीद होती है कि वो जल्दी ही ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो नियर टू डेथ होता है। तो वो बात करता है एमिली से। अब वो यहाँ पे बोलता है एमिली को कि जो प्लॉमैन है वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारा ध्यान रखेगा, क्यों क्या होता है कि अब उसकी तो डेथ हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि वो रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से लास्ट मोमेंट पे क्या होती है, इन दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाती है द नाइट्स टेल। तो नाइट्स टेल में बेसिकली क्या दिखाया गया है कि किस तरह से जो दो फ्रेंड्स होते हैं, दो कज़न्स होते हैं जिनके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद एक लड़की के आने की वजह से उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशियस आने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और उसकी वजह से वो एक वॉर की तैयारी करते हैं जिसके लिए वो आर्मी बनाते हैं वन ईयर तक, और उसके बाद लड़ाई होती है दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं उस टाइम को।
मिडवेल टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेल्स के थ्रू जो चौसर हैं वो बताना चाहते हैं कि उस टाइम का जो बैकग्राउंड है या जो लोगों का सोचने का नज़रिया है वो किस तरह से है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि जैसे कि जब लेडीज़ रोती मिलती हैं थीसिस को और वो बोलती हैं कि क्रियोन से वॉर करें, लड़ाई करें, तो यहाँ पे जो थीसिस हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कि तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो किंग है उसका रोल भी दिखाया गया है कि एक किंग का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये नाइट स्टेल यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर्स। बी विद अस, टेक केयर फ्रेंड्स एंड गुड बाय।